अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माटवी फॉरम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ओप्पो A1K का EMMC अरेज़ हो जाए बाय मिस्टेक, अगर आप उसको पैटर्न लॉक वगैरह उसका रीसेट कर रहे हैं तो आपका EMMC अरेज़ हो गया है, या अगर आप ओप्पो A1K का EMMC रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अगर आपका EMMC डैमेज हो गया है तो आप उसको किस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपको कुछ टूल चाहिए होंगे जिनके ज़रिए आप अपने ओप्पो A1K का EMMC निकाल सकें। ये एक तेज़ नोक वाला ब्लेड जिसकी मदद से आप EMMC की साइडों से ब्लैक पेस्ट को रिमूव कर सकें, और दूसरा ये जिसकी मदद से आप EMMC को उठा सकें। तो ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी इसको उठाने के लिए, जो आपको ब्लैक पेस्टेड EMMC को रिमूव करने में हेल्पफुल साबित होगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और आप अपने ब्लैक पेस्टेड IC को रिमूव कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन हासिल हो सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो ये देखिए, हमने EMMC को रिमूव कर लिया है, और EMMC को रिमूव करने के बाद हमने दोनों साइडों को साफ़ कर लेना है, यानी PCB को भी साफ़ कर लेना है और EMMC को भी साफ़ कर लेना है। या अगर आप EMMC रिप्लेस कर रहे हैं तो न्यू EMMC तो ऑलरेडी साफ़ होती है। EMMC को रीबाल करने के बाद आपने EMMC अडाप्टर के अंदर उसको रख लेना है और अडाप्टर को अच्छी तरह से बंद कर लेना है। अब ये अडाप्टर को हम UFI बॉक्स में लगा देंगे, और इसके बाद चलते हैं PC स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसको किस तरह से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये देखिए, हम EMMC को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए, हमारा EMMC यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है, और ये देखें इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 00 है, यानी कि ये कस्टमर से बाय मिस्टेक अरेज हो चुका है कि उसने इसको स्पेशल टास्क से रीसेट करना था लेकिन वो EMMC फैक्ट्री रीसेट कर गया बाय मिस्टेक। तो इसके लिए सबसे पहले हम पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इस पर राइट करेंगे, उसके लिए EXTCSD फाइल इस पर राइट करेंगे ताकि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट हो जाए। EXTCSD फाइल राइट करने के बाद दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे, और ये देखें हमारे EMMC की पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस पे डंप राइट कर सकते हैं, बूट वन को डालेंगे, बूट टू को डालेंगे और यूज़र डाटा डालेंगे। तीनों फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यूज़र डाटा ये देखें मेरे पास 7 GB का है, लेकिन हम इस पे यहाँ से 7 GB राइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 32 MB राइट करेंगे ताकि इसकी पार्टीशन क्रिएट हो जाए। फाइल्स को ड्रैग करने के बाद और मेमोरी को सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन को दबा देंगे, तो ये बूट वन, बूट टू और 32 MB यूज़र डाटा यहाँ से राइट हो जाएगा। ये देखिए, तीनों फाइल्स को सक्सेसफुली राइट करने के बाद दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे, और ये देखें अभी ये हमारा EMMC फ्लैशिंग के लिए रेडी है। अभी इस पर हम फुल डंप राइट कर सकते हैं यहाँ से, या यूज़र एरिया पार्ट से, या इस पर फैक्ट्री में राइट कर सकते हैं। EMMC हमारा रेडी है, ये यूज़र एरिया पार्ट से हम फुल डंप यहाँ पे इसके ऊपर राइट कर देंगे, या अगर आपके पास फुल डंप नहीं है तो आप फैक्ट्री इमेज से इसके ऊपर फुल इमेज राइट कर सकते हैं। और ये साइन इमेज को दबाकर हमने इसकी सारी फाइल्स को एक्टिवेट कर लिया। अब सिक्योरिटी बैकअप राइट करने के लिए, ताकि हमारे फ़ोन का IME इस पर वापस आ जाए, उसके लिए हम सिक्योरिटी फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, सिक्योरिटी बैकअप की फाइल्स को मैं यहाँ पर इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये NVRM को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये तमाम सिक्योरिटी फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको हम राइट कर देंगे।
तो ये फुल यूज़र डाटा डंप हमारे ओप्पो A1 के eMMC पे राइट होना स्टार्ट हो चुका है। ये मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी फाइल्स हैं उनका जो एड्रेस है वो चेंज है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी फाइल्स को अलग से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो उनका ये देखें एड्रेस चेंज आ रहा है। अभी डंप के फुल राइट होने का वेट करेंगे। ये सबसे मेन फाइल जो सिस्टम फाइल है ये भी राइट हो रही है। और ये देखें हमारे ओप्पो A1 के का यूज़र एरिया फुल डंप सक्सेसफुली राइट हो चुका है। ये देखें सारी की सारी फाइल सक्सेसफुली राइट हो चुकी हैं। अभी दोबारा से आइडेंटिफाई करके इसको चेक करेंगे। आइडेंटिफाई बटन को दबाएंगे तो ये देखें इसके अंदर फर्मवेयर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी ओके हैं, और हमारे फ़ोन के अंदर जो फर्मवेयर राइट हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये देखें कंप्लीट आ रही हैं। तो अभी ये हमारा eMMC रेडी टू यूज़ है। अभी हम इसको अपने फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको eMMC को निकालने से पहले स्पेशल टास्क के अंदर से फैक्ट्री रीसेट ज़रूर करना है आपने, ताकि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी रीसेट होने से क्लियर हो जाए। ये देखें फैक्ट्री रीसेट करने से यूज़र एरिया पार्टीशन जो है वो रिक्रिएट होती है और दोबारा से राइट होती है। तो इससे जो आपके फ़ोन की अगर हैंग और लोगों पे जाता है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो उससे क्लियर हो जाएगी और आपका फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा।
और ये देखें फैक्ट्री रीसेट डन। अभी दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे और ये देखें हमारे ओप्पो A1K के EMMC की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस जो हैं यहाँ पर लॉग ओके हो चुका है। अभी ये हमारा EMMC रेडी टू यूज़ है, हम इसको सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो EMMC को UFI अडाप्टर से निकाल लेंगे और इसको अपने फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम ये रेडी टू यूज़ है। EMMC को PCB पे अप्लाई करने से पहले ये थोड़ा सा नीचे पेस्ट की लेयर लगा लें ताकि हमारा जो EMMC है वो प्रॉपर अपनी जगह पर इजीली बैठ सके। बिल्कुल आपने हल्की सी पेस्ट की लेयर लगानी है, ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना क्योंकि अगर ज़्यादा पेस्ट लगाएंगे तो हमारा IC जो है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा पेस्ट लगाना है जिससे सिर्फ हमारा जो IC है वो प्रॉपर अपनी जगह पर बैठ सके। IC को किसी ट्यूज़र या नोकदार चीज़ से अच्छी तरह अपनी बिल्कुल प्रॉपर जगह पर बैठा लें। और उसके बाद 310 से लेकर 330 तक आप इसको 2 से 3 मिनट तक हीट देंगे। तो ये देखिए हमारा EMMC सक्सेसफुली PCB पे अप्लाई हो चुका है। अभी हम इसको ऑन करके चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने जब भी EMMC पे वर्क करना है तो आपने ये साइड की शील्डिंग जो है ये काटनी है, इसको उखाड़ना नहीं है क्योंकि ये PCB ठंडा होता है और जब ये इसको आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे से PCB डैमेज हो जाता है। ये देखें कटर की मदद से इसको साइडों से काटें या फिर इसको हीट करके इसको उतारा करें। तो ये यूज़र ने यहाँ से शील्डिंग खुद उखाड़ी थी जिसकी वजह से ये देखिए PCB यहाँ से थोड़ा सा डैमेज है। तो अगर आप इसी तरह सारे शील्डिंग को उखाड़ेंगे तो PCB आपका काफ़ी सारा डैमेज हो जाएगा जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने का खदशा है। तो आपने शील्डिंग को या तो काटना है या फिर इसको हीट करके उतारना है ताकि आपका PCB डैमेज ना हो। तो अभी हम PCB को पैनल के अंदर आके ऑन करके चेक करते हैं। और ये देखिए हमारा ओप्पो A1 के EMMC रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद सक्सेसफुली पावर ऑन हो चुका है। इसके हम ऑन होने का वेट करते हैं फिर इसको मज़ीद चेक करेंगे। और ये देखिए हमारा फ़ोन सक्सेसफुली सेटअप विज़र्ड पे आ चुका है। सेटअप विज़र्ड को कंप्लीट करेंगे, यहाँ से होम लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन को दबा देंगे। यहाँ से रीजन को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर यहाँ से अगर आपका FRP लगा हुआ है तो आप वाईफाई कनेक्ट करें, अदरवाइज यहाँ से स्किप करेंगे। तो मैं सेटअप विजर को स्किप करने के लिए वापस आऊँगा और यहाँ पर ये इमरजेंसी कॉल के बटन को प्रेस करके यहाँ पर डायल करेंगे *813#। तो ये हमारे फ़ोन का सेटअप विजर स्किप हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ओप्पो A1 के सक्सेसफुली होम मेन्यू पे आ चुका है। यहाँ से सबसे पहले हम इसका IME चेक करेंगे कि हमने इसके ऊपर सिक्योरिटी बैकअप राइट किया है तो इसका IME ओके हुआ है या नहीं। तो ये देखिए इसका IME आ चुका है।
मज़ीद हैंडसेट का मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन वगैरह चेक करने के लिए हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग से अबाउट फ़ोन में जाएंगे और ये देखें हमारे ओप्पो A1 के CPH1923 की रीप्रोग्रामिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यही प्रोसेस है कि अगर आप EMMC रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने कंप्लीट यही प्रोसेस दोहराना है, तो आप इस तरह अपने ओप्पो A1K का डैमेज EMMC रिप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको ओप्पो A1K का EMMC रिप्लेस करने में या रीप्रोग्राम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।